वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला आजकल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। वजह है 10 लोगों की हत्या, जिन्हें 90 बीघा जमीन के लिए गोलियों से भून दिया गया। आखिर क्या मामला है जो सोनभद्र में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के उम्भा गांव में गोंड और गुज्जर समुदाय के लोग रहते हैं। इनके घरों के बीच करीब 4 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इस दायरे में 90 बीघा जमीन भी आती है। इस जमीन को लेकर ही दोनों समुदाय में काफी समय से विवाद चल रहा है। इसी 90 बीघा जमीन पर कब्जे के लिए गुज्जर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ग्राम प्रधान यज्ञदत्त भूरिया ने 17 जुलाई को ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। उस दिन यज्ञदत्त 100 लोगों के साथ सोनभद्र पहुंचा था और उसने गोंड समुदाय के लोगों को गोलियों से भून डाला। यज्ञवत घुर्तिया ये अपने साथ कुछ ट्रैक्टरों में लोगों को भरकर ले आया और यहाँ के ग्रामीण जो उसकी ज़मीन पर कब्जा किए हुए थे इनके सामने अपनी खेत की वो जुताई करने लगा ट्रैक्टरों से। जब लोगों ने विरोध किया तो वो अपने साथियों के साथ उन लोगों के ऊपर अंधाधुन फायरिंग करने लगा, जिसमें लगभग 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस इस मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें ग्राम प्रधान यज्ञदत्त भूरिया भी शामिल है। यज्ञदत्त के साथ उसके दो बड़े भाइयों देवदत्त, निधिदत्त, दो भतीजों गणेश और विमलेश को भी गिरफ्तार किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित परिवार के एक चश्मदीद ने बताया कि प्रधान ने जमीन पर कब्जे के लिए दूसरी बार हमला कराया था। प्रधान ने ये जमीन 2 साल पहले एक सोसाइटी से खरीदी। हमले में घायल हुए चाचा का इलाज करा रहे 30 साल के विजय गोंड बताते हैं, बुधवार सुबह जब हम खेतों में काम कर रहे थे तभी 20-25 ट्रैक्टर पर सवार करीब 100 लोग गांव में घुस आए। उनके पास हथियार भी थे। यह जानकारी मिलते ही सभी लोग खेतों की तरफ भागे। ग्राम प्रधान और उसके साथी खेत में पहुंचे तो गोंड समुदाय की महिलाएं धरने पर बैठ गईं। हमने प्रधान से कहा कि वे अदालत के फैसले का इंतजार करें या बैठकर मसले पर बात करें। इस घटना में घायल हुए बसंतलाल बताते हैं, प्रधान ने हमारी बात नहीं सुनी और अपने ट्रैक्टर से खेतों को जोतना शुरू कर दिया। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रधान के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। हमारे कुछ साथियों ने लाठियों से हमला भी बोला और उन्हें गोली मार दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती प्रधान और उसके साथी फरार हो गए। इस घटना में 23 लोग घायल हुए। उनका इलाज सोनभद्र और वाराणसी के अस्पतालों में हो रहा है। इनमें से 7 लोग प्रधान के ग्रुप से भी हैं। सोनभद्र के SP सलमान ताज पाटिल का कहना है, इस मामले में प्रधान और उसके परिवार के 6 सदस्य मुख्य आरोपी हैं। पुलिस ने आरोपियों से 2 लाइसेंसी बंदूकें भी जब्त की हैं। गांव के लोगों का कहना है, जमीन का यह विवाद करीब 2 साल से चल रहा है। केस लड़ रहे रामराज बताते हैं, हमें तो उस वक्त आश्चर्य हुआ जब हमें जमीन बिकने की जानकारी मिली। इस जमीन पर हम दशकों से खेती कर रहे हैं। जमीन एक सोसाइटी से संबंध रखती थी, लेकिन हमें नहीं मालूम ये कैसे बेची जा सकती है। हमने अदालत में इस डील को चुनौती भी दी। रामराज का कहना है, अक्टूबर 2018 में भी प्रधान ने जबरन जमीन छीनने की कोशिश की थी। सोनभद्र के जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार अग्रवाल ने राजस्व रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि जमीन पहले आदर्श कृषि सहकारी समिति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस समिति ने स्थानीय लोगों को किराए पर खेती की अनुमति दे रखी थी। अग्रवाल की माने तो 1990 में जमीन का मालिकाना हक 2 लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया था, जो एक IAS अधिकारी की माँ व पत्नी थी। उन्होंने प्रधान समेत 3 लोगों को ये जमीन बेच दी। सोनभद्र में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि मैंने लोकसभा चुनाव में जो कहा था वह अब UP में हो रहा है। पुलिस लोगों को ठोक रही है और लोग पुलिस को ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी योगी सरकार को आड़े हाथों लिया था। बता दें कि प्रियंका गांधी इस घटना के पीड़ितों से मिलने के लिए आज सोनभद्र जा रही हैं।